जिस अनुच्छेद 35A ने जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक कोहराम मचा रखा है उसे घाटी में खत्म किया जाएगा या नहीं, इस पर आज सुनवाई नहीं हो पाई है। अनुच्छेद 35A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 27 अगस्त के लिए टाल दी गई है। दूसरी तरफ घाटी में आज दूसरे दिन भी अलगाववादियों का बंद जारी है। अनुच्छेद 35A को लेकर आज सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी थी कि कोर्ट इस आर्टिकल पर क्या बोलता है, क्या टिप्पणी करता है, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ छुट्टी पर हैं, जिसकी वजह से सुनवाई को टाल दिया गया। अब मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर के पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि इस मामले को संविधान पीठ को सौंपा जाए या नहीं, और अगर इसे पीठ को भेजा जाए तो किन किन संवैधानिक पहलुओं की समीक्षा की जाए। वहीं संविधान पीठ को सौंपने के मुद्दे के निर्धारण के लिए भी पहले 3 सदस्यीय पीठ का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के एनजीओ वी द सिटीजंस ने अनुच्छेद 35A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी, जिसके विरोध में जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों ने 2 दिवसीय बंद बुला रखा है। आज बंद का दूसरा दिन है, जिसके मद्देनजर बाजार सड़कें सब सुनसान पड़ी हैं। वहीं एहतियातन अमरनाथ यात्रा भी रोक दी गई, जिसके चलते कई यात्री फंसे हुए हैं। इस मामले को लेकर हुर्रियत नेता बिलाल वार का कहना है कि 35A के कारण कश्मीर एक है, और अगर इसे हटाया गया तो जंग छिड़ जाएगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।